जब लाजर मर गया तो मार्था ने कहा, प्रभु तूने देर लगा दी। क्या लगा दी? अगर तू यहां होता मेरा भाई मरता ना। क्या ना मरता? तो उसने कहा विश्वास रख। क्या रख? विश्वास रख। तो उसने कहा अब तो उसके शरीर में, अब तो उसे 3 दिन हो गए, उसके शरीर से क्या आती होगी? घन मतलब बदबू आती होगी। अब क्या फायदा? यीशु मसीह ने फिर उसे उत्साहित किया। वहां पे भी ऐसे नहीं लिखा, मगर वहां पे भी यीशु मसीह ने मार्था को टीच किया, सिखाया परमेश्वर के बारे में, इसी सत्य को जिसे हम अच्छे से जानते नहीं है, समझते नहीं। बोलो, उसे टीच किया और समझाया परमेश्वर के राज्य के बारे में, वो क्या कर सकता है। जब मार्था ने भी उसको अच्छे से समझा, उसने कहा चल प्रभु, उसके बाजू को पकड़ा, चल फिर मैं तुझे बताती हूं उसको कहां कौन सी कब्र में रखा है, चल मेरे साथ फिर। अगर तू ऐसे मुझे बताता है, समझा रहा है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो चल मेरे साथ। क्योंकि किसने विश्वास किया? मार्था ने, जिसका भाई मर गया था। आज हमें अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी दूसरे नहीं, हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मेरा पति नशा करता है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर आपको लगता है मेरे घर में मेरे ऊपर मेरी गरीबी है, मेरे ऊपर कर्ज है, मेरी ये प्रॉब्लम है, आपको उस चीज के लिए विश्वास करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। यह परमेश्वर का नियम है। बोलो क्या है? किसी दूसरे को नहीं, आपको करना पड़ेगा उस चीज के लिए विश्वास। क्या करना पड़ेगा? ये। और जब मार्था को इस चीज की समझ आई, तो उसने कहा चल चल प्रभु, जल्दी कर, अब देर ना कर, मैं तुझे बताती हूं कहां पे रखा है। क्योंकि परमेश्वर देर नहीं करते। क्या नहीं करते? देर नहीं करते। बोलो क्या नहीं करते? देर नहीं ना करते। कैसी उस कब्र में, कितने दिन का लाजर, कितने दिन हो गए थे उसे कब्र में पड़े हुए? हाँ? अब आप सोचो कि अगर लाजर को 4 दिनों के कब्र में पड़े मरे हुए, उसको परमेश्वर ने जिंदा कर दिया, प्रभु ने उसे उठा दिया, तो इस दुनिया में उसके लिए कौन सा कोई काम पड़ा है? ना तो आपका आमीन है, तो ना आपकी तारीफ है। और मैं विश्वास करता हूं आपके लिए भी वो, अगर आप विश्वास करते हो इसी रीति से, वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। मैं क्या कहता हूं, अगर आप मार्था के जैसे विश्वास करते हो तो आपके जीवन में भी ऐसे बड़े बड़े काम। अब लोग कहते हैं ये झूठ कहते हैं। हाँ, अब क्या कहते हैं लोग? झूठ कहते हैं, झूठ, क्योंकि हम गवाएं। बोलो, मेरे भाई का बेटा, उसकी पूरी तरह से डेथ हो, कोई सांस नहीं, पूरा कट गया, नीला उसका शरीर हो गया, उसके मुंह में भी सेम फेन, ये झांग आ गई, और खुदावंद ने 5 मिनट में जीवित किया। 5 मिनट, क्योंकि जो सांस करते खुदावंद उनके साथ काम करता है। क्या करता है? किनके साथ काम करता है? क्योंकि परमेश्वर नियम का है, और नियम के बाहर वो कुछ भी नहीं करता। आमीन।